जिले का नाम करने के लिए और ज्यादा जरूरत है और यहाँ के लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। लोग कहते हैं ना कि लोकल एंड वोकल, उसको करने की जरूरत। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग सुशांत में। मीडिया एक माध्यम है किसी भी घटना को जनता तक लाना, और आज के समय में इसको देश का चौथा स्तंभ माना जा रहा है। और क्यों माना जा रहा है? क्योंकि अभी जमाना कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट का है। और इसी क्रम में सिवान के एक युवा संपादक, जो कि पिछले कई सालों से सिवान के लिए सेवा कर रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से सिवान में एक मीडिया की क्रांति लाए हैं, तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे अमित जी का अपने चैनल पर। सबसे पहले आपके दर्शकों का भी काफी ज्यादा मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, क्योंकि जो आपको इतना ज्यादा प्यार और स्नेह दे रहे हैं, और लगातार मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग जगहों पर आप जा रहे हैं और अलग अलग क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बातों को आम जन तक पहुँचा रहे, तो कहीं ना कहीं जो आपके दर्शक हैं उससे काफी फायदा होंगे और भविष्य में लगता है कि वो भी कुछ नई चीजों को सीखेंगे और नया कुछ करेंगे। सपनों का सिवान एपिसोड 6 आज हम अमित जी के साथ करने जा रहे हैं, तो हम अमित जी से इनके बारे में जानेंगे। देखिए, शुरुआत पढ़ाई के बाद से पत्रकारिता एक ऐसा जुनून था कि मुझे करना है, लेकिन होता है शुरुआती समय में आप अगर किसी चीज को करना चाहते हैं तो कई सारी प्रॉब्लमें आती हैं और लोग कहते भी हैं, और बहुत लोगों का कहना होता है कि मैं ये करने जा रहा था तो हमें ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। हर कोई अपने अनुसार देखता है कि हमारे जीवन में क्या क्या कठिनाइयां हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर कठिनाइयां जीवन में ना हो तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। और वैसे ही जर्नी सिवान मेरा होम टाउन है, और यहाँ से जर्नी की जो शुरुआत हुई, यहाँ से लेकर दिल्ली तक मैं पहुँचा जी, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो विद्यालय से जो संस्कार मिलते हैं कहीं ना कहीं आपको बाहर में उस चीज का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और मुझे मैं मागरी सरस्वती विद्या मंदिर की जनता से है क्या हूँ, और वहाँ के जो संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं मुझे दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के IIT कॉलेज से मैं मास कम्युनिकेशन किया प्रति, और वहाँ पर मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ। और एक आपने सुना होगा कि बिहारियों को वहाँ पर चावल बोलते हैं, कहने का मतलब है, चावल के कहने का मतलब ये था कि आप जियो, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर जीरो कहीं से हटा दिया जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। सही बात है, और ये जीरो ही कहीं ना कहीं हीरो बनकर दिखाते हैं, वैल्यू बढ़ा देता है बिल्कुल। और मैं मानता भी हूँ और सभी लोग मानते हैं कि बिहार की जो उपलब्धियाँ हैं कहीं ना कहीं सबसे, लेकिन दुख का ये चीज़ मुझे लगता है ना कि बिहार के कुछ लोग ऐसे भी बाहर में रह रहे हैं जो अपनी पहचान को छुपाते हैं। अगर कुछ बड़े पद पर चले जाते हैं तो अपनी पहचान को छुपाने लगते हैं कि मैं बिहार से हूँ, उनका टोन चेंज हो जाता है। देखिए, अगर हमें कई ऐसे शब्द आते हैं जिसमें हमारा मदर टंग की वजह से कोई शब्द जैसे तीखा को तीखा बोल देते हैं, तो वैसे ही होता है, तो कई लोग मजाक उड़ाते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं, वो मेरा मदर टंग से मेरी लैंग्वेज हम करते हैं। क्या जाट जो होते हैं, जो गुज्जर होते हैं, जो वो क्या अपने लैंग्वेज में नहीं बोलते? क्या बंगाली अपने लैंग्वेज में नहीं बोलते? लेकिन वो अपने लैंग्वेज पे गर्व करते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं, हम हर जगह बोलेंगे। लेकिन अगर हमें अगर भोजपुरी बोलना है, अगर मैं दिल्ली में हूँ, ग्रेटर नोएडा में हूँ, अगर भोजपुरी बोलना तो शर्म महसूस करेंगे, देहाती समझेगा, गांव वाला समझेगा। लेकिन मैं बताता हूँ कि मेरे वहाँ के जो लोकल फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे भोजपुरी में ज्यादातर बात करता था, और मुझे लगता है कि अभी भी वो जब कॉल करते हैं मेरे पास तो कई ऐसे शब्द होते हैं जो वो भोजपुरी में मिल सकते हैं, क्या हाल बात, ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं आप अपने चीजों को जब तक बाहर बताएंगे नहीं तब तक दुनिया उस चीज को समझेगी नहीं, और आप ऐसे ही बेइज्जत होते रहेंगे। और मैं बात करता हूँ अपने जर्नी की, क्या जर्नी है, तो मैं जब कॉलेज टाइम में भी गया था तो मुझे बहुत तरह की बातें बताई गई थी कि आप वहाँ जाओगे आपको बहुत लोग परेशान करेंगे, रैली होगा, वो होगा। तो मुझे बस यही चीज़ लगा कि अंदर से फील आया था कि मैं एक सिवान का हूँ, और मुझे पता है कि सिवान के लोगों को कैसे कहाँ पर एडजस्ट करना है और क्या कुछ आप माहौल को देख के कर सकते हैं। तो मुझे वही महावीरी का संस्कार कहीं ना कहीं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि जब मैं वहाँ कॉलेज में गया ना तो मैं सबसे पहले अपने जो HOD थे मैं उनका पैर छू के प्रणाम किया, और जो वहाँ वहाँ की जो स्टार्टिंग स्टूडेंट आए थे वो गुड मॉर्निंग सर करके वो चले गए। मुझे उस समय उस चीज़ का बेनिफिट समझ में नहीं आया, मैं बता रहा हूँ कि कई हफ्तों बाद वो HOD जब अपने पास मुझे बुलाते हैं, जो मेरे सबसे श्रीय गुरु जी हैं, जब वो मेरे पास अपने पास जब वो मुझे बुलाते हैं तो मुझे उस चीज़ एहसास होता है कि वो कहीं ना कहीं वो मेरे जो मैंने संस्कार सीखा था यहाँ से उसका प्रभाव है, क्योंकि वहाँ के बाद से मुझे बहुत कुछ बेनिफिट मिलना शुरू हो गया, और मैं उनके सानिध्य में और कुछ अच्छा करने लगा। धीरे धीरे समय चलता गया और मुझे बहुत कम समय में वहाँ पर कॉलेज में हर चीज़ को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, आगे हर चीज में रहने का मौका मिला, बनने का मौका बिल्कुल, और कॉलेज में वैसी छवि बनी, और कुछ ऐसे फ्रेंड बने मेरे जिनका मैं हमेशा तारीफ करता हूँ कि जिन्होंने ये चीज
प्रूव कराया कि वो बिहारी भी है लेकिन वो बेस्ट है। बिहारी, हर बिहारी खराब नहीं होते, कुछ लोग हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ, कुछ लोग हैं कि जो बिहार से जाकर वहां पर कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि जिसकी वजह से थोड़ी सी बदनामी हो जाती है, लेकिन सब खराब नहीं है ना। आप अपने आप को वहां पर प्रूव कीजिए कि मैं राइट हूं और मैं ये कर सकता हूं, तो हो सकता है कि जो 5% खराब करने में लगे थे वो भी सही हो जाएंगे और आगे जाके और कुछ अच्छा होगा। तो होते होते वो हुआ और मुझे लगता है कि बहुत कम समय में वहां पर बहुत कुछ मुझे सीखने का भी मौका मिला और बहुत कुछ करने का भी मौका मिला। साथ ही वहां पर जो नेशनल चैनल है उन चैनलों में काम करने का मौका मिला। वहां पे जो हमारी टीम थी उस टीम के मदद से हमने शॉर्ट फिल्म्स, वो डॉक्यूमेंट्रीज, वो रैक पिकर्स के ऊपर हमने कई ऐसी स्टोरी बनाई जो कि काफी अवॉर्डेड थी। कई क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया। तो लेकिन एक मुझे दिमाग में कई बार ऐसा आया कि जब मैं यहाँ पर इतना कुछ कर रहा हूँ तो जो मेरा होम टाउन है वहां पर मेरे जब इतने संपर्क के लोग हैं, हो सकता है मैं वहां पर कुछ और अच्छा कर सकता हूँ। जब मैं अपने होम टाउन में आया तो काफी लोगों का प्यार से नहीं मिला। यहाँ पर मैंने सिवान न्यूज से शुरुआत की थी, यहाँ पर पत्रकारिता की, सबसे पहले मैं सिटी न्यूज से जो वहाँ का यहाँ का लोकल चैनल है उससे मैंने शुरुआत किया था। उसके बाद होटल की दुनिया में अगर बात करें तो जो क्रांति लाने का काम किया था सिवान न्यूज, जो यहाँ पर उस समय काफी शुरुआत में एक्टिव थे और अभी भी एक्टिव है, तो उस समय हम लोगों ने उसको बहुत मेहनत से काम किया और बहुत कम समय में उस चैनल ने ग्रो भी किया। और मुझे लगता है कि उस समय मुझे पहचान दिलाने का और काफी लोकल स्तर से लेकर बड़े लेवल पर बहुत जल्दी पहचान दिलाई और ऐसे करते करते मुझे मौका मिला। और आज आप लोगों के प्यार सुनने से, दर्शकों के प्यार सुनने से जीवी हर झारखंड का जिला अपने प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं चुनौतियाँ बहुत सारी आती हैं पत्रकारिता में। और मैं अभी की बात कर रहा हूँ तो मैं 3 दिन से बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि एक ऐसा मामला है सिवान का जिस पर मैं 3 दिन से लगा हुआ हूँ। लेकिन अफसोस तब होता है ना जब आप किसी को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो पीड़ित है वो खुद उससे अपने आप को पीछा करने लगे, या तो हम कहें पैसे के दबाव में या प्रशासन के दबाव में अगर वो अपने आप को पीछा कर रहा है तो हम लोग वैसे परिस्थिति में बहुत कमजोर होने लगते हैं। क्योंकि हम जिसके लिए आवाज उठा रहे हैं, जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो खुद पीछे हटने लगे तो क्या करेंगे। हम एक माध्यम है और हमें दिन रात किसी से बहस नहीं रहता कि दिन है या रात है, हमें जाना है, करना है। देखिए हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि कुछ लोग इसको कई तरीके से देखते हैं, कई लोग गंदा भी कहेंगे, कुछ लोग अच्छा भी कहेंगे, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि मैं जब रात में सोऊं तो वो सपना जो है वो अच्छा सपना है और सुकून का सपना है। वो परेशानी वाला सपना ना है कि मैंने इसका बिगाड़ दिया, उसका बिगाड़ दिया। ना हमारी किसी से बहुत अच्छी दोस्ती होती है, ना हमारी किसी से बहुत दुश्मनी होती है। हमें एक बैलेंस करके चलना होता है। हो सकता है हमारी किसी खबर से किसी एक पक्ष का नुकसान हो रहा हो, लेकिन एक पक्ष का भला हो रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम अगर सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कोई एक नाराज भी होगा कोई बात नहीं, लेकिन जिसको इंसाफ मिल गया तो कहीं ना कहीं अपने दिल को भी सुकून मिलता है और समाज में काफी अच्छा मैसेज जाता है, तो काम करने का भी जज्बा। लेकिन मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूँ कि हम तब हैं जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। हम, आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम जरिया बन सकते हैं, लेकिन हम एक मुद्दे पर लंबे समय तक नहीं लड़ सकते हैं जब तक आपका सपोर्ट ना मिले। पीड़ित ही साथ आपके नहीं आएंगे तो आप क्या कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रशासन का दबाव क्या होता है, आम जनता का दबाव क्या होता है, कोई बाहुबली है उसका दबाव क्या होता है। बहुत लोग आसानी से कह देते हैं ये पत्रकार 500 रुपए ले लिया होगा, बोल रहा है उसके खिलाफ उसके पक्ष में है। लेकिन आपने कभी उसके पास रह के कभी सोचा क्या कि उसके ऊपर क्या बीतता है, उसके परिवार के ऊपर क्या बीतता है। आप तो बहुत आसानी से किसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं, जब उसका परिवार ये बात सुनता है ना अंदर से कितनी गिल्टी फील करता है कि ये क्यों कर रहा है ये काम। उसका परिवार टूट जाता है। आप नहीं देखने जाते हैं कि वो रात में किस परिस्थिति में रहता है, वो दिन में किस परिस्थिति में रहता है। हो सकता है आप 2-4 लोगों का उदाहरण पेश कर देंगे कि यार उसका पता है वो तो ऐसे ही दलाली कर करके ये इतना बड़ा कर लिया, लेकिन आप उन 4 लोगों की वजह से कितने लोगों का मनोबल तोड़ देते हैं ये नहीं पता है। अगर उसी आप कुछ लोगों का मनोबल बढ़ा देंगे ना, कि हिम्मत देंगे कि आप सही लड़ाई कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए, तो मुझे यकीन है कि जो पत्रकारिता की थोड़ा सा दशा खराब हो चुकी है डेफिनेशन है वो बदल जाएगा, बिल्कुल ठीक होगी। और ये जो पैसे के लेन देन की बात जो आती है, कई अभी अभी के समय में अगर बात करें तो पोर्टल जो है न्यूज पोर्टल वो एक क्रांति लाने का काम कर रहा है। और न्यूज पोर्टल में सबसे बड़ा चीज है ये कि मैं एक बात बता रहा हूँ कि बहुत लोग ऐसे बात कर रहे हैं, मैं ये चीज को इसलिए खुल के बोल रहा हूँ कि मैं अंदर के दर्द को बता रहा हूँ, मैं इस चीज को फील कर रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि मैं भी अगर चाहता ना तो दिल्ली में रह के बहुत कुछ अलग जॉब कर सकता था। ये नहीं कि मीडिया का क्षेत्र इतना छोटा नहीं है, उसके कई प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पर मैं काम कर सकता था और लाइफ इतनी लग्जरी लाइफ है कि मैं बताऊंगा नहीं, काफी इंजॉय कर सकता था। लेकिन एक होता है कि आप जिस फील्ड में है ना उसमें कुछ अलग काम करें कि जो अलग आपको खुशी दे, इसलिए मैं इस चीज को काम कर रहा हूँ। लेकिन कुछ पोर्टल पे ये स्थिति अभी आ गई है, पोर्टल के हैं या किसी भी क्षेत्र में क्या कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन का जो लेवल है, एजुकेशन का जब लेवल आपका सही नहीं होगा
मैं किसी पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस अपने भाइयों से अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर आप हाथ में माइक लेके जा रहे हैं, कैमरा लेके जा रहे हैं, तो ये जरूर सोच लें कि आप किसके पास जा रहे हैं, उसके बारे में जान लें और क्या कुछ आपके पास जानकारी है, उस चीज को इकट्ठा कर लें। हो सकता है 5 मिनट आप समय दे दें, अगर आपको नहीं पता है तो गूगल कर लें और उसके बाद जाकर उसके पास प्रश्न करें। क्यों? क्योंकि आप जब गलत प्रश्न करते हैं ना, तो मजाक सिर्फ आपका नहीं बनता है, सबका बनता है, उस पत्रकार का, जगत का बनता है। और आप जहां जाके बैठते हैं ना, फिर जब वहां पे दूसरा आपका भाई पत्रकार जाता है ना, तो बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ती है। अगर आप 5 मिनट समय स्टडी करने के लिए दे दें, आप जिस फील्ड में भी होते हैं, आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप उसमें समय दिए होंगे, उसकी थ्योरी पे समय दिए होंगे, उसके प्रैक्टिकल पर समय दिए होंगे, तभी जाकर आप उस चीज पर अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। अगर ये पत्रकारिता की भी क्षेत्र अगर इसमें अगर आप स्टडी नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हाफ इन्फॉर्मेशन इज द डेंजर इन्फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं आप खतरनाक साबित कर देंगे किसी भी चीज को। तो आजकल सवाल उठाने का हम लोग ही मौका दे रहे हैं, हमारे भाई लोग ही मौका दे रहे हैं। अगर हम खुद उस चीज को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे ऊपर किसी को उंगली उठाने का मौका मिलेगा। और बाकी तो आम जनता है, थोड़ा सा समय के हिसाब से उस चीज को केयर करती है। अगर हम अपने आप को अच्छा करने लगेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपके ऊपर उंगली उठाने जा रहा है, कोई कुछ बोलने जा रहा है। बाकी दुनिया है, कुछ तो कहना ही है, कुछ कहेंगे। देखिए, कुछ कहना है और कहते ही जाएंगे। इनका स्टार्टअप हमने, अब चूंकि होमवर्क का बात आ गया कि होमवर्क करना चाहिए कहीं भी जाना चाहिए, तो होमवर्क हमने भी करके आया है। और कहीं ना कहीं आपका स्टार्टअप रहा है एजेएन न्यूज, राइट? तो एजेएन के माध्यम से इन्होंने बहुत अच्छा, बहुत जल्दी वो चैनल ग्रो किया था, और उसमें ये काम अपना स्टार्टअप। और ऐसा होता था कि उसके लिए मतलब 24 घंटे में कभी भी जाके कोई न्यूज आए, वो बनाकर सामने ला दिए फटाक से, बहुत जल्दी बहुत अच्छा एडिटिंग करके सामने लाए, और डिजिटल क्रांति लाए सिवान में, जो कि सिवान एक समय था कि मतलब यहाँ अगर निष्पक्ष आप पत्रकारिता करेंगे तो आप पे गोली है। और इसको अब लास्ट करते हैं, और अंत में बस अमित जी का हम लास्ट मैसेज चाहेंगे कि सिवान के लोगों से क्या निवेदन, क्या अपील है? मैं सिवान के लोगों से बस यही गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि सिवान के लोग काफी क्रांतिकारी है, और बाहर में जब इतना नाम कर सकते हैं, तो अपने जिले का नाम करने के लिए और ज्यादा जरूरत है, और यहाँ के लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। लोग कहते हैं ना कि लोकल एंड वोकल, उसको करने की जरूरत है, क्योंकि सिवान में प्रतिभा की कमी नहीं है। सिवान में एक से एक लोग हैं जो अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं, उनका आप मदद कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। पत्रकारिता का क्षेत्र हो या बाकी कोई भी क्षेत्र हो, आप उन लोगों को सपोर्ट कीजिएगा, तो मुझे लगता है कि सिवान एक बदलता सिवान दिखेगा, और बहुत कम समय में देश ही नहीं विश्व में भी नंबर वन बन के दिखाएगा, और क्योंकि सिवान में प्रतिभा बहुत ज्यादा है, और मुझे लगता है कि सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी धन्यवाद अमित जी, और सपनों का एपिसोड आपने देखा।